अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में, फर्स्ट टाइम कैसे लॉगिन की जाती है एनपीएस के बारे में। हम इसके बारे में फुल डिटेल्स आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस साइट पे आना पड़ेगा आपको। अगर आप यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं तो इस साइट पे आना पड़ेगा, CRANSDL.com पर आना पड़ेगा। और इसके आने के बाद यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो होगा, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे इस टैब में आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और जो भी आपको डिफ़ॉल्ट किट मिली होगी उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद ये कैप्चा डालना पड़ेगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। बाद में आपको यहाँ पे इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो आपको यहाँ पे चेंज करके दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पास जो एनपीएस का जो नेशनल पेंशन सिस्टम का जो किट रहता है, इसमें आपको यहाँ पे जो प्रान नंबर जो मिलता है उसके ज़रिए हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। और उसके साथ ही आपको एक पासवर्ड मिल जाता है जिसे आईपीएन कहते हैं। उस आईपीएन डालने के बाद आप यहाँ पे उसे लॉगिन कर सकते हैं और बाद में आप यहाँ पे उस पासवर्ड को चेंज करके आप अपने एनएसडीएल अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। तो ये कैसे की जाती है, फुल डिटेल्स आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना जरूर समझता हूँ, अभी तक सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सैम मुंडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एनपीएस के जो भी रिलेटिव जो इतने सारे आपके जो ये जो हेल्पफुल वीडियो होते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो इस चैनल पर डाल चुके हैं। अगर मैं उसकी आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो प्रान नंबर होगा वो यहाँ पे आपका डालना पड़ेगा। जो यूज़र आईडी जो होता है आपका, वो प्रान नंबर होता है वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे प्रान नंबर डाल लेता हूँ मेरा। तो मैंने यहाँ पे प्रान नंबर डाला है। जो भी आपका आईपीएन रहता है, आपके जो लिफाफे में जो किट मिलती है उसमें एक पासवर्ड रहता है, वो आईपीएन रहता है और एक टीपिन रहता है। तो उसमें आपको यहाँ पे आईपीएन डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से वो आईपीएन नंबर डाल लेता हूँ। वो डालने के बाद यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। वो डालने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे जो कैप्चा है उसे डालेंगे। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना जो भी यहाँ पे जो करंट पासवर्ड डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपका न्यू पासवर्ड डालना पड़ेगा और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। तो मैं चलिए यहाँ पे डाल लेता हूँ। जो भी आपने वहाँ पे आईपीएन जो डाला था सबसे पहले लॉगिन करते समय वो डालिए। बाद में आप अपना जो पासवर्ड होगा वो डालिए। यहाँ पे फिर से यहाँ पे कंफर्म डालिए, यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड होगा। और बाद में यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो देख सकते हैं आप अपना जो भी मैंने पासवर्ड डाला था सक्सेसफुल यहाँ पे चेंज हो चुका है। आपको यहाँ पे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा आपका पासवर्ड रिसेट हो गया है या नहीं देखने के लिए। तो मैं ऐसे फिर से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं फिर से यहाँ पे जो मेरा प्रान नंबर है वो डाल लेता हूँ और जो मैंने अभी पासवर्ड जो तैयार किया था वो डालूंगा अब यहाँ पे।
और जो भी यहाँ पे कैप्चा आ जाएगा वो यहाँ पे डालेंगे हम, और बाद में यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा पूरा यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है। इसमें हम यहाँ पे जरूरी बात यहाँ पे एक डालेंगे, ये जो भी आपका ईमेल आईडी और यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे इंटर करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी बात होती है। अगर आपका कुछ यहाँ पे NPS अकाउंट में अगर पासवर्ड वगैरह भूल गए या पासवर्ड रीसेट मांगा, तो आपके मोबाइल नंबर के ज़रिए आप अपना पासवर्ड यहाँ पे दोबारा सेट कर सकते हैं, अपने ईमेल आईडी के ज़रिए अपने यहाँ पे दोबारा पासवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप अपना जो भी NPS अकाउंट में यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉगिन कर सकते हो। तो सबसे ज़रूरी बात जो होती है वो मोबाइल अपडेट करने की और ईमेल अपडेट करने की, तो मैं यहाँ से आपको वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं अपडेट डिटेल्स में, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट डिटेल्स है, वहाँ पे सबसे पहले हम क्लिक करेंगे और जो पर्सनल डिटेल्स है या कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हम जाएंगे। तो इसमें आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, जो भी आपका नंबर होगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और टेलीफोन। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आप यहाँ पे आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो सबसे पहले आपको ईमेल आईडी दिखाता है और मोबाइल नंबर यहाँ पे एडिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने का, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो डालिए। मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे मेरा नंबर डाल, ईमेल आईडी मुझे ज़रूरत नहीं है ईमेल आईडी की, और टेलीफोन नंबर होगा तो आप टेलीफोन नंबर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ मोबाइल नंबर ही अपडेट करूँगा। तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने का, आपको यहाँ पे दोबारा से तो मैं ऐसे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो न्यू कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे वो कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंफर्म करने के लिए यस बोलूँगा, मैं कंफर्म करूँगा। तो मेरा जो नंबर होगा वो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिटेल्स, जो अपडेट जो डिटेल्स है सक्सेसफुल यहाँ पे चेंज होके आ गई है। तो इस प्रकार से आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आप ईमेल आईडी आपको चाहिए तो ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल मोबाइल नंबर है या टेलीफोन नंबर या अपडेट करने, ये सबसे ज़रूरी बात है। अगर आपके NSDL अकाउंट में कोई पासवर्ड रीसेट मांगता है या पासवर्ड भूल जाते हैं, तब आपको मोबाइल नंबर सबसे ज़रूरी होगा कि आपका नंबर जो अपडेट होना चाहिए, क्योंकि उसके ज़रिए आप अपना जो रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं और पासवर्ड यहाँ पे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो ये आपने आज यहाँ पे इस वीडियो में देखा कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे NPS अकाउंट में लॉगिन कैसे की जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सैम मुंडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही मोबाइल के अपडेट में।